हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीख में। तो आज का जो टॉपिक है वो है टीनेजर मेकअप के बारे में। स्पेशली जो गर्ल्स स्कूल और कॉलेज जाती हैं उनके लिए ये वीडियो है। ये जो मेकअप मैं आपको बताऊंगी वो बिगनर के लिए भी है कि नॉर्मली जो इसकी नई नई शादी हुई रहती है तो वो डेली बेसिस पे कैसे तैयार हो सकते हैं, और स्पेशली जो बहुत सारे डाउट होते हैं वो होते हैं बिगनर के लिए जब लड़कियां जाती हैं कॉलेज या स्कूल। अभी नए नए मेकअप के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता कि क्या लगाना चाहिए चेहरे पे कि फेस पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े। और मेरा तो मानना ये भी है कि जब भी आप भी मेकअप स्टार्ट करते हो तो अभी ज़्यादा केमिकल चीज़ें से दूरी रहे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो आपको मैं कुछ जो है टिप्स बताऊंगी कि आप वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं और बाकी चेहरे पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा और आपका जो है चेहरा भी हेल्दी और ग्लोइंग बना रहेगा। और बस इस टिप्स को फॉलो करेंगे और आप इजिली आप मेकअप कर सकते हैं स्कूल और कॉलेज की लड़कियां। तो फिर चलिए चलते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और हाँ, यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट मी गाइस। एंड आप चलते चलते फिर मेकअप करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी मेकअप करें तो अपने फेस को ज़रूर सबसे पहले क्लीन करें अच्छे से, या फिर आप पहले जाके फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद क्लीन करें। तो मैंने फेस वॉश कर रखा था लेकिन मैं वाइप से जो है चेहरा क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले स्किन पे हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ये है निविया का मॉइस्चराइजर है। अगर आपका स्किन ज़्यादा ही ड्राई है और वैकेज जैसे कि अभी मार्च का सीजन आने वाला है तो उसमें थोड़ी सी ठंडी और मतलब हवाएं चलती हैं तो जो स्किन को बहुत ही रूखा बना देती है, तो आप अपनी स्किन की टाइप, अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप पहले मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया है, इसको टैप करते करते पहले चेहरे पे। तो यहाँ मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। तो मेरा जो सेकेंड स्टेप है वो है लोटस का हर्बल सनस्क्रीन क्रीम है। इसे आप जब जो लड़कियाँ बाहर जाती हैं कॉलेज या स्कूल जाती हैं या फिर जॉब पे जाती हैं तो ये स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाहर आपकी सनटेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सनटेन की स्किन पे बहुत ज़्यादा रहता है और जैसा सीजन चल रहा है तो वैसे आप जब भी बाहर जाए तो ये सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ऐसे आप स्किप कर अगर करते हैं तो आपकी जो चेहरे है वो धीरे धीरे सनटेन से धीरे धीरे काले हो जाते हैं और आपका जो स्किन है वो डैमेज होने लगता है। तो ये आपके स्किन को जो है प्रोटेक्ट रखता है सन से, और आपकी जो ये धूल मिट्टी सब रहता है तो ये सिर्फ से आपको प्रोटेक्ट रखता है, तो ये आप ज़रूर यूज़ करें।
अब जो थर्ड स्टेप है वो है पॉन्स का बीबी क्रीम, जो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे लगा लें, इसे ज्यादा नहीं लेना है। जो क्वांटिटी है सिर्फ इतनी लेनी है, ज्यादा नहीं लेना है, इतनी लेनी है। इसको फिंगर की मदद से टैप करते हुए थोड़े थोड़े, अब जो फोर्थ प्रोडक्ट है वह है, मैंने लिया है लैक्मे का लिप बाम। आप गर्ल्स हो तो अगर स्कूल और कॉलेज जा रहे हो तो फिर लिप बाम ही यूज करें, कोई भी लिपस्टिक यूज नहीं, क्योंकि इसमें रंग के लिए के कारण केमिकल होते हैं जो आपकी लिप इन फ्यूचर में काले हो सकते हैं और ड्राई हो सकते हैं। तो लिप बाम आपके लिए बेटर है। बाकी जो बिगनर मेकअप है जिनकी शादी अभी नई नई हुई है, तो वो उसके जगह पे कुछ भी या फिर कोई भी अच्छे ब्रांड का लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं जो उनको कलर पसंद हो। तो यहाँ मैंने लिया है लिप बाम लिया है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप डेली बेसिस पे भी मेकअप करते हैं तो आप लिप बाम यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इससे आपकी। तो फाइनली मेकअप हो चुका है। ये है मैंने जो मेकअप बताया है वो है गर्ल्स के लिए बताया है, टीनेजर गर्ल्स के लिए जो अभी नई नई कॉलेज जाना स्टार्ट की हैं और जो स्कूल में है, तो वो उनके लिए सिंपल मेकअप है। आप ये डेली बेसिस पे करके अगर बाहर जाती हैं तो आप ये मेकअप कर सकती हैं। इनफैक्ट जो अभी जॉब वाले हैं या फिर घर पे रहते हैं जो औरतें, तो वो नहीं जानती बिगनर के लिए, तो ये मेकअप बिगनर के लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे अगर आपको काजल पसंद है तो आप काजल भी थोड़ा लगा सकती हैं हल्के में, और बाकी आप ऐसे ही मेकअप करिए तो जो बेस्ट है, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी, आपकी रंगत भी ऐसी रहेगी। तो इस मेथड से आप अप्लाई करें, इसको फॉलो करते हुए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बाकी की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो फिर लाते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।